हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना एसपी पीजीटी के एग्जाम की, जो कमीशन का आपका एग्जाम है, उसकी तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं। मेरा नाम है भूपेश शर्मा। आई हैव क्वालिफाइड माय जेआरएफ इन इंग्लिश लिटरेचर एंड दी एसपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कमीशन एग्जाम, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू हियर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन टू। मैं लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूँ अपने ऐप पे, माय प्रोफेसर नोट, एंड अलॉन्ग विद दिस आई प्रोवाइड दी स्टडी मटेरियल फॉर द इंग्लिश लिटरेचर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। बट आपको यहाँ मैं बताऊंगा कि आप इस सिलेबस को कैसे कवरअप कर सकते हैं। ठीक है जी, आपका एमए का ही सिलेबस है, जो आपका एचपीयू का जो एमए इंग्लिश का सिलेबस है ना, वो सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट आपकी ये जो यूनिट है, ठीक है, इसके लिए तो आपके पास जो बुक होनी चाहिए सबसे पहले, वो हुडसन की मैं बोलूंगा, ठीक है। विलियम जेरोम बच्चों को रेफर करता था, राउटलेज भी है, पर राउटलेज प्राइमरीली नेट के लिए अच्छी है, ठीक है। इस एग्जाम के लिए उतना मैं नहीं कहूंगा कि वो यू हैव टू रीड दैट बुक, उसकी काफी रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड सी लैंग्वेज है, तो मैं बोलूंगा कि आप हुडसन को रेफर करें, ठीक है। क्योंकि हुडसन का को मैंने अभी बहुत सा एक कंटेंट स्टडी किया, तो वहां पे साइट होती है ये बुक बहुत ज्यादा, तो अच्छी है, इजी है, एक इजी बुक टू रीड है ये, ठीक है, आप इसको रेफर करें। बिसाइड दिस, दूसरी बुक आपके पास होनी चाहिए वो है आपकी लिटरी टर्म की बुक, लिटरी टर्म की बुक है ना, एम एच इब्राहिम की, वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये दो किताबें आप सबसे पहले अपने पास लेकर रखिए। फिर बात आती है आपके इस वाले पोर्शन की, जहां पे आपके राइटर्स हैं, वर्क मेंशन किए गए हैं। अच्छा है, कम से कम आपको एक स्पेसिफिक सा सिलेबस है, यहाँ पे नेट की तरह नहीं है। वे वी हैव अ वास्ट सिलेबस एंड वी डू नॉट नो हाउ मच टू रीड एंड हाउ मच एंड व्हाट शुड बी स्किप, पर यहाँ पे आपको पता है कि आपका ये एक स्पेसिफिक सिलेबस है, इसको ही आपको टारगेट करना है, इसको ही आपको स्टडी करना है। अब आपको इससे कवर कहां से करना है, इन वर्क को, इन राइटर्स को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते या जो भी एस्पायरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडी मटेरियल या कुछ भी, उनको मैं ये बता देता हूं कि आपने विकिपीडिया, विकिपीडिया में तीन सेक्शंस हैं जिनको आपने अपना टारगेट करना है। एक है इंट्रो, ठीक है, दूसरा है आपका समरी व्हेन यू आर रीडिंग दीज वर्क, तीसरा है आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में किसी वर्क के बारे में एक राइटर का एवोल्यूशन होता है, या एक क्रिटिक जो होता है उनकी कुछ स्टेटमेंट्स या कोट्स कई बार पूछे जाते हैं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक और राइटर हैव गिवन दिस स्टेटमेंट और हैव यू नो पास दिस कमेंट ओवर दिस वर्क, इस तरह से, ठीक है। आपका कोई कोट होगा और वहां पे आपको राइटर का नाम जो है यू हैव टू गेस, ठीक है। तो इन तीन चीजों पे आपको फोकस करना है व्हेन यू आर रीडिंग अ समरी ऑफ द वर्क, या जब आप एक वर्क को स्टडी कर रहे हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फिर आता है आपका ये राइटर, इस राइटर को स्टडी करते वक्त आपको अगेन जो है दो चीजों पे फोकस करना है ऑन विकिपीडिया। पहला है आपका इंट्रो। अगेन इंट्रो पे आपका आपको एक बैकग्राउंड मिल जाता है, कुछ उनकी इन्फ्लुएंसेस मिल जाते हैं या उनके मेन वर्क्स मिल जाते हैं, तो वहां पे वो इंट्रो पे आपको वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़नी पड़ती हैं वो मिल जाती हैं। दूसरा है आपका वर्क वाला पोर्शन, इंपॉर्टेंट है, इनके अर्ली लाइफ या उन सभी चीजों पर आप ज्यादा आप डेल्व ना करें, यू नो डोंट डिग डीप इनटू दैट पार्ट। तो ये दो चीजों पे आपको फोकस करना है। अब बात आती है आपकी समरी की। समरी के लिए मैं आपको एक और जो है सोर्स रेफर करूंगा, दैट इज अ स्पार्क नोट, है ना जी। स्पार्क नोट इंपॉर्टेंट एक सोर्स है आपका। स्पार्क नोट में क्या होता है कि जो आपका जो सेंट्रल आइडिया है ना वर्क का, उसको फोर फ्रंट में रख के डिटेल्स मेंशन की होती है, तो और उस पर्सपेक्टिव से आपके काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो कुछ बच्चे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि आप मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9625101499। व्हाट्सएप कॉल आप मुझे कर सकते हैं फॉर रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल एंड द लाइव क्लासेस। तो मेरी प्राइमरीली नेट सेट के बच्चों के लिए होती है या उन एग्जाम्स के लिए ही होती है, गेट्स वगैरह एग्जामिनेशन के लिए। तो हाँ, इन फ्यूचर अगर आप उसे भी आप टारगेट करना चाहते हैं उस एग्जाम को, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर योर पीजीटी, है ना। बाकी अगर मैं आपको प्राइस थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू जस्ट टू मैसेज मी फॉर द प्राइस, तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज बता देता हूँ। 4950 का आपका ये पूरा सेट है, जिसमें कि आपकी 5 बुकलेट्स हैं, जिसमें कि आपके 10 सारी यूनिट कवर किए जाते हैं, है ना। अगर आप सेपरेट बुकलेट लेना चाहते हैं ओनली फॉर योर ब्रिटिश लिटरेचर,
तो उसका आपको कॉस्ट है 1650, ठीक है। बाकी दूसरी बुकलेट है आपकी लिटरेरी थ्योरी की, उसका कॉस्ट है आपका ये, और बाकी जो रिमेनिंग है उनका कॉस्ट 700 ईच है, ठीक है। तो ये तो आपको जानकारी होगी सोर्सेज के बारे में कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बिसाइड दिस एक और चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है आपके PYQPs, ठीक है जी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप कोई भी इन वर्क्स को यहाँ पे स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि मुझे किस तरह से इनको स्टडी करना है, क्या इसमें डिटेल है मुझे जिसको कवर करना है या रीडिंग करनी है जिसकी। अगर आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहा है, आप अननेसेसरी अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स आप पढ़ दोगे, ठीक है। जो मेन टॉपिक होगा, जो मेन चीजें आपकी पढ़ने की होंगी, वो आपसे छूट जाएंगी, तो मैं नहीं चाहता कि वैसा हो। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अपने पास लेने हैं। 2 साल के, सुना मैंने कि 2 साल की अवेलेबल है, तो 2 साल के ही है ना, ठीक है। तो वो आप उनको एक बार गो थ्रू कर लो, उनको आप देख लो, जिस तरह से वहां पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है किसी भी टॉपिक से किसी भी वर्क से, आप उसको देख लो, ठीक है। उसको देख लेने के बाद ही आप टॉपिक पे आप स्टडी करो। आपको मान लो आपको किड्स पढ़ना है, सबसे पहले आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखो कि आपका जो किड्स से क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर आप किड्स की स्टडी करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जो आपको अपने दिमाग में लेकर चलना है व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग एंड रीडिंग फॉर दिस एग्जाम। तो ये चीजें होंगी हमारी कि किस तरह से प्रेपरेशन करनी है क्या करना है, ठीक है। अब अगर हम सिलेबस को पूरा गो थ्रू हम कर लेते हैं एक बार, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि आपको इनको रीडिंग कहां से करना है, विकिपीडिया से, स्पार्क नोट से, ठीक है। फॉर दोज ऑफ यू हु विल हैव एक्सेस टू स्टडी मटेरियल, आपको खाली उस पर फोकस करना है, ठीक है, और अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बाकी इंग्लिश लिटरेचर का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं, ठीक है, इफ यू आर एनरोलिंग फॉर माई कोर्स हेयर। बिसाइड दिस आपको मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे आपको स्टडीज की करनी है ना जी। तो ये तो आपका पूरा एमए का ही सिलेबस है जो आपने एमए में कवर अप किया है, तो आप उसको गो थ्रू कीजिए, है ना। बाकी इसमें अगर हम नीचे देखें, हाँ, लिटरी थ्योरी वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन है आपके लिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन है आपके लिए, ठीक है। अब इसमें आपको 2-3 चीजों पे मेनली फोकस करना होता है। एक तो आपका जो आपकी थियोरी है ना, थियोरी है वो, और उस थियोरी के बाद उसकी एक छोटा सा आपको सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए। छोटा सा मतलब उसके लाइक एक लंबी चौड़ी आपको डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका मेन सेंट्रल आइडिया, उसके करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स के बाद उसके मेन थियोरिस्ट जिन्होंने उस थियोरी के अराउंड काम किया है, हु हैव रिटन द टेक्स्ट ऑन देम, उनके टेक्स्ट के नाम, ठीक है, और उनके जो टर्म्स हैं उनके नाम, वो इंपॉर्टेंट है। आपका सेंट्रल आइडिया थियोरी का, करेक्टरिस्टिक्स, थियोरिस्ट, उनके टेक्स्ट एंड द टर्म्स, और टर्म का सेंट्रल आइडिया, ये आपको यहां पे फोकस करना है, ठीक है जी। ये बात आ गई आपकी थियोरी को आपको इस तरह से कवर करना है। बाकी अगेन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, वी हैव द नॉवल्स, ठीक है, और नॉवल पे आपको क्या चीजें फोकस करनी होती हैं, एक तो पब्लिकेशन डेट आ गया, ठीक है, एक आपका करेक्टर्स आ गया, ठीक है, और पब्लिकेशन और करेक्टर के अलावा आपका जो मेन प्लॉट है, प्लॉट या जो उसमें कुछ ऐसा इवेंट हुआ है, कुछ मेन इवेंट होते हैं ना, ठीक है, या कोई ऐसा एक्ट होता है जैसे कि आपका मैकबेथ में है, ठीक है, सो देर इज अ मर्डर, सो देर इज अ नॉकिंग एट द डोर सीन है, ठीक है, आपका डिगिंग सीन है, लाइक दे आर डिगिंग द ग्रेव इन योर हेमलेट, ठीक है, तो वो एक कॉमिक रिलीफ वाला सीन है, ठीक है, जहां पे वो योरिक के स्कल को एक ग्रेव डिगर हिज होल्डिंग इन हिज हैंड एंड द हेमलेट इज ऑल्सो देन स्टार्टेड टू हैव अ कन्वर्जेशन, तो वो एक कॉमिक रिलीफ के लिए सीन है। उस तरह से आपके आपके क्वेश्चन बनते हैं। जो मेन आपके नॉवल्स हैं ना, जो मेन आपके नॉवल्स हैं उनकी आपके उनको आपको किस तरह से स्टडी करना है, जो आपके मेन नॉवल्स हैं, ठीक है, मेनली ब्रिटिश नॉवल, मेनली आपको ब्रिटिश लिटरेचर में उस तरह के आपको मिलेंगे नॉवल्स, जैसे आपका सन्स एंड लवर्स है, ठीक है, इसका मेन कोट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो
इन चीजों को आपको टारगेट करना है, और ये चीजें आपको कहां से अच्छे से पता चलती हैं, जब आप उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करते हैं। ठीक है, आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि आपको इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है। दिस वीडियो आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर कोई आपका सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू एंड रिप्लाई टू योर क्वेरीज। ठीक है जी, अच्छे से आप प्रेपरेशन कीजिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू विल श्योरली क्रैक दिस एग्जामिनेशन। बस कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है, कंसिस्टेंट रहना है अपनी प्रेपरेशन में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कंसिस्टेंसी की वजह से बहुत से खिलाड़ी जो है गेम से बाहर हो जाते हैं, पर आपने नहीं होना है। रोज रोज का जो आपका टारगेट है उसे रोज अचीव कीजिए। यू विल श्योरली गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट।